देंगे पानी में, जबकि इसमें तेल भी नहीं डलता, बिल्कुल घी या तेल का भी इस्तेमाल नहीं होता। 200 ग्राम तकरीबन टमाटर है और 200 ग्राम ही प्याज है और एक तकरीबन 1.5 पाव जो है वो दाल है। उबाल आ रहा है, जैसे उबाल आएगा इसमें दाल डाल देंगे हम। इसमें उबाल आ गई है, अस्सलाम वालेकुम। पठानों के होटल में जो आपको नमकीन दाल होती है, माश की नमकीन दाल, ये उसका बता रहे हैं। बहुत आसान तरीका है और बिल्कुल वैसे ही जायका होगा, बिल्कुल 100% जो है ना बिल्कुल वैसे ही जायका होगा। इसमें सबसे पहले हम पानी डाल दिया है 1 गिलास तकरीबन, और इसमें 2 प्याज काट के डालेंगे पानी में, जबकि इसमें तेल भी नहीं डलता, बिल्कुल घी या तेल का भी इस्तेमाल नहीं होता। अगर घी और तेल का इस्तेमाल करना चाहें तो वो मैं आपको बताता हूँ आखिर में। 2 प्याज जो है ना बड़ी हो, अगर दरमियानी हो तो 3 प्याज है। ये 3 प्याज है। ये 3 दरमियानी प्याज काट दी, डाल दी इसमें, और ये इसमें 3 टमाटर भी काटेंगे। टमाटर वहीं काट के डाल दो, पहले वहीं काट दो फिर उसमें डाल देना, वो वीडियो लंबी हो रही है ना। फिर ये 3 टमाटर काटते हैं, फिर आपको बताते हैं। टमाटर डाल दो तीनों। हाँ, 200 ग्राम तकरीबन टमाटर है और 200 ग्राम ही प्याज है और एक तकरीबन 1.5 पाव जो है वो दाल है। इसके अंदर पानी के अंदर सिर्फ प्याज और टमाटर डाला है, अब इसी के अंदर नमक डालेगा। हसब जाएगा नमक, इन्होंने तो 1.5 चम्मच डाला है, बाद में चेक करेंगे। अब इसके अंदर जो है दाल डलेगी, दाल माश, नमकीन दाल माश के नाम से जो मशहूर है होटलों में, शनवारियों के पास मिलती है, इसके अलावा पठानों के होटल में मिलती है। ये बिल्कुल वही जायका होगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह। अगर आप चाहें तो कमर्शियल भी कर सकते हैं, इसको कमर्शियल तौर पर बेच भी सकते हैं इसको। ये 1.5 पाव दाल है माश की, और इसमें भी उबाल आ रहा है, जैसे उबाल आएगा इसमें दाल डाल देंगे हम। इसमें उबाल आ गई है, अब इसको बिल्कुल हल्की आंच में जाना, थोड़ा उबाल आ जाएगा, उसके बाद हल्की आंच में ही पकेगा, बिल्कुल हल्की आंच में।
और इसमें दो चम्मच तेल डाल दिए। ये बगैर तेल के खाया जाता है, वैसे पसंद किया जाता है। ये हमने बगैर तेल के ये तैयार हो गया, लेकिन कुछ लोग तड़का करते हैं, तड़के में भी पसंद करते हैं देसी घी का, तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आता है इसका। अब ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, डालो इसमें एक चम्मच। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, एक चम्मच डाल दिया। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, आग सही करो, आग नहीं है नीचे। ये बिल्कुल रेडी है। मैंने आपको बताया कि ये बगैर तेल के बगैर उसके होता है, और उसे भी पसंद किया जाता है। कुछ लोग फ्राई करके खाते हैं, तो फ्राई में हमने घी डाल दिया, और घी के अंदर लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डाल दिया और इसको तैयार कर दिया। हम नमक चेक करके उसको सर्व करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। क्या हुआ? ये बगैर ऑयल के हैं, और ये ऑयल वाला सर्विंग हो रही है। दिलखा रोटी ले करो। ये टमाटर की चटनी भी बनाई है, हरी मिर्च और टमाटर। इसमें हरी मिर्च, टमाटर और एक लहसुन है, छोटा सा लहसुन की एक